बिहार से निकला रामचरित मानस का चिन्ह उत्तर प्रदेश में आकर के सियासत में कोहराम मचा रहा है। जहां पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरित मानस की चौपाई को शूद्रों के अपमान से जोड़ा, तो उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित मानस पर ऐसा वाकेड़ा खड़ा किया कि उसमें अखिलेश यादव भी कूद पड़े और उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा बना डाला। वहीं जब सियासत की मजी हुई खिलाड़ी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देखा कि इस बवाल में कहीं दलित उनसे छिटक न जाए, तो वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ी और उन्होंने कहा, रामचरित मानस दलितों और शोषित वंचितों का ग्रंथ नहीं है और ना ही वो कभी रहा है। दलितों और शोषित वंचितों का तो ग्रंथ भारतीय संविधान है। यही नहीं, मायावती ने अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिला डाली। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख को 2 जून 1995 का कांड याद कर लेना चाहिए। और तो वहीं अखिलेश यादव ने मायावती को जवाब देते हुए कहा है कि भाजपा होशियार पार्टी है, वो इसके लिए कभी कभी दूसरी पार्टियों को सामने खड़ा कर देती है। सुनिए अखिलेश यादव ने मायावती के लिए क्या कहा। मेरे पत्रकार साथी, बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहां तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहां काए भेदभाव करें हम? संविधान ने कहां काए के धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर रामन लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कई दल समय समय पर बाहर निकल करके आते हैं।